नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट एग्रीकोस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ नेमाटोड। ये हमारा नेमाटोलॉजी का तीसरा लेक्चर होगा। हम लोग सीक्वेंस में ये चीज़ पढ़ते जा रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ नेमाटोड पढ़ने से पहले हम लोग नेमाटोड का डिफिनेशन पढ़ेंगे कि नेमाटोड क्या होता है। नेमाटोड क्या होता है? नेमाटोड जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, अनसिगमेंटेड, स्यूडोसिलोमेट, वर्मीफॉर्म एंड कलरलेस एनिमल होता है। क्या है ये? कलरलेस एनिमल है। नेमाटोड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, अनसिगमेंटेड, स्यूडोसिलोमेट, वर्मीफॉर्म, कलरलेस एनिमल है। ठीक है, अब नेमाटोड जो होता है वो तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स, एनिमल पैरासिटिक नेमाटोड्स एंड फ्री लिविंग नेमाटोड है। तो प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड जो होता है वो सिलेंडर इलोंगेट होता है, स्पिंडल शेप होता है या फिर फ्यूजीफॉर्म होता है। तो फ्यूजीफॉर्म दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? फ्यूजीफॉर्म है। ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? फ्यूजीफॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं। इसमें टैपरिंग टुवर्ड्स बोथ इन रहता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? आप लोग पूछ सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है, और स्यूडोसिलोमेट क्या होता है। ये तीन टर्मिनोलॉजी इसमें सीखने वाला है, समझने वाला है। तो हम लोग इसको अभी बताएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिपल मीन्स क्या होता है? थ्री, एंड ब्लास्टिक मीन्स लेयर। तो ये थ्री लेयर से बना हुआ कवर किया रहता है। नेमाटोड जो होता है वो थ्री लेयर से कवर किया रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक से। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, जब नेमाटोड को हम एक प्लेन में डिवाइड करेंगे तो टू इक्वल हाफ्स में, मीन्स राइट एंड लेफ्ट हाफ जो डिवाइड होगा वो दोनों समान होगा। व्हेन नेमाटोड्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स देन दे फॉर्म्स, दे आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड दे आर बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट क्या होता है? स्यूडोसिलोमेट में फ्लूइड फील्ड मटेरियल होता है। ठीक है, उसमें जो होता है मेजोडर्म से क्लोजली या फिर कंप्लीटली लाइंड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो सिलोमेट बोलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जैसे नेमाटोड जो होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल नॉर्मल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है कहाँ से? क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शन से। नेमाटोड का एक्सेप्शन होता है किसे? इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियल सिमेट्री जो होता है, रेडियल सिमेट्री जो होता है वो नेमाटोड के किस रीजन में मिलता है? तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि रेडियल सिमेट्री जो होता है वो कहाँ मिलता है? एंटेरियर रीजन ऑफ नेमाटोड से। ठीक है, एंटेरियर रीजन में। आप लोग एंटेरियर, पोस्टेरियर, डॉर्सल, वेंट्रल का नाम सुने होंगे। तो बाकी सभी रीजन में ये क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, बट एंटेरियर रीजन में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। अब रेडियल सिमेट्री किस किस तरह का? ट्राई रेडिएट में, या तो तीन रेडिएशन में, टेट्रा रेडिएट चार रेडियल में, या फिर हेक्सा रेडिएट सिक्स रेडियल में। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री क्या होता है? जैसे बायलेटरल सिमेट्री को हम एक प्लेन में डिवाइड करते हैं तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, उसी तरह रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि किसी भी प्लेन में, हमको जिस प्लेन में मन करेगा उस प्लेन में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होगा और बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है नेमाटोड से कि शॉर्टेस्ट नेमाटोड कौन सा है और लॉन्गेस्ट नेमाटोड कौन सा है? शॉर्टेस्ट प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड, हम लोग को किस में ध्यान रखना है? प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड से। शॉर्टेस्ट प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड से एंड लॉन्गेस्ट प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड से का नाम क्या है? तो शॉर्टेस्ट प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड का नाम क्या है? प्रेटाइलेंकस स्पेसीज। शॉर्टेस्ट प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड का नाम क्या है? प्रेटाइलेंकस स्पेसी, जिसका साइज होता है कितना? 0.2 mm। ठीक है, और लॉन्गेस्ट नेमाटोड का नाम क्या है? लॉन्गेस्ट प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड का क्या नाम है? पैरालोंगिडोरस मैक्सिमस है। पैरालोंगिडोरस मैक्सिमम, जिसका साइज कितना होता है? 11 mm। दोस्तों साइज तो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन नाम जरूर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। इसके बाद अलग अलग नेमाटोड को अलग अलग शेप में अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। जैसे मिलोडोगाइन का कौन सा शेप होता है? पियर शेप होता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलोडोगाइन, मिलोडो मीन्स क्या होता है? मेलन, ये मेलन मोड से डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर किसका शेप होता है? तो ग्लोबोडेरा, नाम से ही पता चल रहा है।
रेनिफॉर्म्स, रेनिफॉर्म किसका होता है, तो रोटाइलेंकस रेनिफॉर्मिस है, नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है किसका किसका, पियर सेप एंड सैकेट। सैकेट किसका होता है, टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस है। ठीक है, टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस है। और नेमाटोड जब स्वेल करता है तो इसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेप लॉन्गेस्ट नेमाटोड्स, रेडियल सिमेट्री का डिफिनेशन क्या होता है वो आगे हम इस स्लाइड में लिखे हुए हैं दिखाएंगे। क्या होता है रेडियल सिमेट्री, कि किसी भी प्लेन में व्हेन नेमाटोड्स आर डिवाइडेड इनटू एनी प्लेन देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड बोथ फॉर्म्स बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ओके, जैसे देखिए बायलेटरल सिमेट्री, बाय मींस क्या होता है टू, दिस मींस दैट देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स दैट आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने बताया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है तीन लेयर प्रेजेंट होना चाहिए नेमाटोड में। तो इक्टोडर्म एक लेयर हो गया, मेजोडर्म दूसरा लेयर हो गया एंड इंडोडर्म तीसरा लेयर हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स है। ठीक है, नेमाटोड्स हैव ए बॉडी कैविटी दैट इज नॉट टोटली सराउंडेड बाय मेजोडर्म। सीरोसिगमेंट का मतलब हमने क्या बताया था, कि इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, बॉडी कैविटी, कैविटी मीन्स क्या होता है, स्पेस है, और उस स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, किसके बदले, मेजोडर्म के लाइन के बदले, मेजोडर्म से लाइनिंग होना चाहिए था, उसके बदले वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फील्ड मटेरियल भरा हुआ रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सीरोसिगमेंट है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड फील्ड भरे होने के कारण क्या लगता है, कि मेजोडर्म से लाइन है, बट वो एक्चुअल में मेजोडर्म का लाइनिंग नहीं है, क्या है, फ्लूइड है। तो सीडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स है, और सिलोमेट मीन्स सिलोमेट, सिलोमेट से बना हुआ है, सीडो सिलोमेट वर्ड है, सीडो आगे लगा हुआ है फॉल्स के लिए। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, अब रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बेसिक बॉडी प्लान होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइडेड करते हैं टू सिमिलर हाफ में बाय पासिंग अ प्लेन एट एनी एंगल अलोंग सेंट्रल एक्सिस। जब सेंट्रल एक्सिस से किसी भी एंगल पे एक प्लेन से पास करेंगे और तो उसमें क्या होगा, नेमाटोड जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, जो कि दोनों मिरर इमेज एक दूसरे का होगा, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। और ऐसा नेमाटोड का जो रेडियल सिमेट्री शो करता है वो कैसा होता है, तो सेसाइल होता है एंड बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, तो सी एनिमोन एंड स्टार फिश है। ऐसा नेमाटोड जिसमें रेडियल सिमेट्री मिलता है तो कौन सा है, सी एनिमोन एंड स्टार फिश है। नेमाटोड जो होता है वो जो फ्री लिविंग नेमाटोड होता है उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड एंड एनिमल पैरासिटिक नेमाटोड, मीन्स जो डिजीज काज नहीं करता है, जो फ्री लिविंग रहता है, जो मतलब किसी भी लिविंग थिंग पे डिपेंड नहीं रहता है सर्वाइव करने के लिए, उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट नेमाटोड अगर होता है तो किसका होता है, एनिमल पैरासिटिक या फिर ह्यूमन पैरासिटिक है। और एग्जाम्पल क्या है, हेलमिंथ पैरासिटाइजिंग व्हेल फिश है, जो कितना लंबा होता है, 27 फीट लॉन्ग है। ये पूरे लॉन्गेस्ट नेमाटोड है। अगर लॉन्गेस्ट नेमाटोड पूछेगा और ऑप्शन में रहेगा हेलमिंथ, तो उसको क्या बोलना है, लॉन्गेस्ट। और लॉन्गेस्ट प्लांट पैरासिटिक बोलना है तो क्या बोलना है, पैरालोंगिडोरस मैक्सिमस है। वर्ड का ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि प्लांट पैरासिटिक ऐड किया हुआ है या नहीं। ठीक है, अब ह्यूमन एंड एनिमल पैरासिटिक नेमाटोड का क्या एग्जाम्पल है, तो टेपवर्म एग्जाम्पल है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, टेनिया सोलियम्स है। फ्लेरियावर्म क्या होता है, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसमें हमारा हाथ वगैरह में सूजन हो जाता है। ठीक है, उसको फ्लेरियल वर्म बोलते हैं। उसके बाद गुनिया वर्म क्या होता है, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस है। राउंड वर्म क्या होता है, एस्केरिस लुम्बरी क्वाइट्स है। उसके बाद नेमाटोड के पास वन और टू ट्यूलर गुनाड्स होता है। ठीक है, जो ओपन होता है सेपरेटली, किसमें, फीमेल में, वो गुनाड जो होता है वो फीमेल में सेपरेटली ओपन होता है एंड इनटू द रेक्टम इन द मेल। ठीक है, अब रेक्टम के पास क्या होता है, कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स होता है। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेमाटोड पढ़ेंगे, तब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो व्हाट क्या रेक्टम होता है, क्या गुनाड्स होता है, ये सब डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है कि नेमाटोड का में कौन कौन सा पार्ट होता है, नेमाटोड का कौन कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये माउथ पार्ट हो गया। उसके बाद रिट्रैक्ट पायरसिंग डिवाइस है। पायरसिंग मीन्स क्या होता है, पंक्चर करना। अगर क्रॉप के रूट पे खाएगा तो क्या होगा, उसमें उसको अपना इंसर्ट कर उसमें होल करना पड़ेगा, तो
तो ये इसके मदद से होल करता है। उसके बाद नर्व रिंग, नर्व रिंग होता है सभी का फंक्शन हम पार्टिकुलर पार्टिकुलर सिस्टम में, जब मतलब एनाटोमी पढ़ेंगे तब हम लोग सभी का फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। फेरिंग्स, फेरिंग्स का क्या काम है, कहाँ पे होता है, ये अभी हमको ध्यान रखना है। नेमाटोड का बॉडी में पहले हमको इमेज बनाना है दिमाग में कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, फंक्शन फिर हम आगे पढ़ेंगे, पहले बेसिक सीखना है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेमाटोड का एंटीरियर एंड कहाँ से स्टार्ट होता है, हेड से, जो कंसिस्ट क्या करता है, माउथ एंड फेरिंग्स है। नेमाटोड का एंटीरियर एंड कहाँ से स्टार्ट होता है, हेड से, जो क्या कंप्राइज करता है, तो माउथ एंड फेरिंग्स है, ठीक है, जो दोनों मिलकर क्या बियर करता है, सेफेलिक पेपिला और सीटा। और माउ पोर्शन जो होता है हेड एंड ओसोफेगस के बीच में, हेड एंड ओसोफेगस के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक है, ठीक है। बिगनिंग एट द एनस एंड एक्सटेंडेड टू द पोस्ट टर्मिनस इज नोन एज टेल, मीन्स एनस से लेकर और लास्ट तक जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल, पोस्ट एनल ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद सभी नेचुरल ओपनिंग जो होता है नेमाटोड में वो किस रीजन में होता है, वेंट्रल रीजन में। सभी नेमाटोड में जितने ओपनिंग होते हैं वो किस रीजन में होते हैं नेमाटोड के, वेंट्रल रीजन में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ द नेमाटोड्स आर फाउंड इन तो वेंट्रल रीजन। उसके बाद नेमाटोड बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट बॉडी सिस्टम है, जैसे हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह नेमाटोड में अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सिस्टम पाया जाता है। जैसे डाइजेशन करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेशन करना है मीन्स वेस्ट मटेरियल निकालना है तो उसके लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। रिप्रोडक्शन नेमाटोड का करना है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। ब्रेन काम करता है सोचने का तो उसके लिए नर्वस सिस्टम, जैसे सेंसेशन, नेमाटोड आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता चलाएगा, कैसे पता चलेगा, तो वो नर्वस सिस्टम से पता चलाएगा, ठीक है, वो दिमाग में सेंसेशन करेगा। उसके बाद अगर लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनली नेमाटोड को चार रीजन में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, डोर्सल, वेंट्रल, राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल। आगे हम लोग इसको डायग्राम में दिखाएंगे कि लेटरल, राइट और लेफ्ट कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेमाटोड, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये सब हम लोग पढ़ा दिए हैं कि फ्री लिविंग होता है, पैरासाइट होता है, मेराइन होता है, फ्रेश वाटर होता है, बायलेटरल सिमेट्री मिलता है, ट्रिपल, ये सब हमने पढ़ा दिया है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम पेन चेंज कर ले, इसमें ग्रीन पता नहीं चल रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। ये जो इम्पोर्टेंट है कि नेमाटोड के पास कितने जुवेनाइल स्टेज होते हैं, तो 4, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि नेमाटोड के पास कितने लिप्स होते हैं, हम लोग के पास कितने लिप्स होते हैं, ये हम लोग आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ह्यूमन के पास कितने लिप्स होते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसी तरह एग्जाम में क्या पूछता है नेमाटोड का, कि नेमाटोड के पास कितने लिप्स होते हैं, तो कितने लिप्स होते हैं, 6 लिप्स हैं, ठीक है। इसके बाद कितने सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिससे वो सेंसेशन करता है, अपने खतरे का या फिर अपने किसी भी चीज़ को पता लगाने में हेल्प करता है, तो कितने सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, 16, ठीक है। उसमें से एक सेंस ऑर्गन जो होता है सेफेलिक सेंस ऑर्गन जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्फीड्स है, ठीक है। उसके बाद बॉडी जो होता है वो नर्व कोर्ट से अटैच होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है उसमें, ये सब जब हम लोग आगे क्यूटिकल वगैरह पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। दोस्तों पीछे हम लोग पढ़े थे कि इसे नेमाटोड के पास कौन कौन सा सिस्टम होता है, उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग क्या पता किए होंगे कि उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम हमने नेमाटोड में नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि नेमाटोड के पास विच सिस्टम्स आर एब्सेंट इन नेमाटोड बॉडी, देन आंसर क्या जाएगा, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी, और इसमें हमेशा आंसर बोथ एंड बी ही जाता है, मतलब आपको थर्ड आंसर मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद नेमाटोड को बॉडी को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, आउटर बॉडी ट्यूब, उसको बॉडी वाल बोलते हैं, इनर बॉडी ट्यूब एंड बॉडी कैविटी और स्यूडो सीलोम, ठीक है।
नेमाटोड बॉडी को तीन रीजन में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा रीजन में, आउटर बॉडी ट्यूब और उसको बॉडी वाल भी बोलते हैं, उसके बाद सेकेंड है इनर बॉडी ट्यूब एंड थर्ड है बॉडी कैविटी और साइटोस्केलेटन है। अब दोस्तों नेमाटोड में हमने अभी बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो उसमें श्वास कैसे लिया जाता है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है विदाउट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, और उसमें क्या होता है कि गैसियस जो होता है वो डिजॉल्व होता है, जो गैसियस होता है उसमें वो ब्लड में डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो इसके थ्रू क्यूटिकल के थ्रू वो एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू आउट अकर थ्रू द क्यूटिकल्स, एक्सचेंज गैसियस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, क्यूटिकल के थ्रू होता है, ठीक है, एंड सर्कुलेशन प्रोसीड्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, जो फ्लूइड मूवमेंट करता है उसी के थ्रू वो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, और कौन सा प्रोसेस के थ्रू, तो सिंपल डिफ्यूजन, इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप लोग पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटर बॉडी ट्यूब, आउटर बॉडी ट्यूब में कौन कौन सा होता है, तो क्यूटिकल होता है, हाइपोडर्मिस होता है एंड सोमेटिक मसल होता है, आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्यूटिकल है, यहाँ पे क्यूटिकल है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस है, यहाँ पे मसल है, ठीक है, तीन है। आप लोग यहाँ पे देखिए स्यूडोसिलोमिक स्पेस किस रीजन को बोल रहे हैं, इस रीजन को हम लोग स्यूडोसिलोमिक स्पेस बोलते हैं, व्हाइट रीजन को हम लोग स्यूडोसिलोमिक स्पेस बोलते हैं, ये हो गया हमारा क्यूटिकल अपर लेयर, ये हो गया हाइपोडर्मिस इसके नीचे, और इसके नीचे हो गया मसल्स लेयर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ ये कंप्लीट राउंड नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमिक स्पेस है, ठीक है। अब आउटर बॉडी ट्यूब में तीन लेयर प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस एंड सोमेटिक लेयर, वही इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि आउटर बॉडी ट्यूब्स और बॉडी वॉल इंक्लूड्स द क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस एंड सोमेटिक लेयर, उसके ठीक है सोमेटिक मसल, उसके बाद बॉडी वॉल का ये फंक्शन दिया हुआ है कि बॉडी वॉल क्या फंक्शन करता है, तो नेमाटोड को डेसिकेशन से बचाता है, ठीक है, मतलब अगर एक्सेस टेम्परेचर बढ़ गया तो नेमाटोड को क्या होगा कि उसमें उसमें से वाटर लॉस को कम करेगा, ठीक है, एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करता है, सेप प्रोवाइड कराता है, मूवमेंट करने के लिए उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉयल एंड प्लांट टिश्यू पे मूवमेंट करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, उसमें कौन सा है, कौन हेल्प करता है, तो ये बॉडी वाल हेल्प करता है, मतलब क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस, सोमेटिक मसल्स तीनों मिलकर, ठीक है। अब क्यूटिकल के बारे में क्या है कि क्यूटिकल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्यूटिकल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, अब नॉन लिविंग है तो नॉन सेलर होगा, लेकिन एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि क्यूटिकल जो होता है वो ट्रिपल लेयर्स हैं, क्यूटिकल में कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, बाई लेयर, ट्रिपल लेयर, तो क्या ध्यान आंसर देना है, ट्रिपल लेयर, ठीक है। और किससे सेग्रेट होता है, क्यूटिकल इज सेग्रेटेड बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्यूटिकल इज सेपरेटेड बाई, क्यूटिकल इज सेक्रेटेड बाई, क्यूटिकल इज सेक्रेटेड बाई, तो हाइपोडर्मिस है, ठीक है, क्यूटिकल इज सेक्रेटेड बाई हाइपोडर्मिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूटिकल इज फ्लेक्सिबल होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यूटिकल इज सेक्रेटेड बाई हाइपोडर्मिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फीडिंग स्टाइलेट एंड कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स जो किससे फॉर्म होता है, तो क्यूटिकल से, क्यूटिकल से कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, तो फीडिंग स्टाइलेट एंड पॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूटिकल में तीन जोन होते हैं, कौन कौन सा, कॉर्टिकल लेयर, मीडियल लेयर, बसल लेयर, क्यूटिकल में कौन कौन से जोन होते हैं, तो कॉर्टिकल लेयर, मीडियल लेयर एंड बसल लेयर, ठीक है। और इसमें जो होती है ट्रांसवर्स मार्किंग, मीन्स जब हम सर्कुलर कट नेमाटोड का करते हैं, क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जब करते हैं, तो इसमें थ्री डिफरेंट मार्किंग प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर मार्किंग है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्किंग को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे पंक्चुएशन, ट्रांसवर्स मार्किंग और स्ट्रिएशन, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, ठीक है, पहला पंक्चुएशन, सेकंड ट्रांसवर्स मार्किंग और स्ट्रिएशन, एंड थर्ड वन लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है, ठीक है। पंक्चुएशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या, कि राइट हैंड साइड में क्या देखेंगे, कहाँ गए पॉइंटर, देखिए ये है क्या है, सर्कुलर है, पॉइंटेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा नेमाटोड के बॉडी पे दिखाई देगा,
माइन्यूट माइन्यूट राउंड डॉट्स इन पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न में। देखिए आप लोग, इसके बीच में स्पेस का जो दूरी है वो फिक्स है कि कितने दूरी पे हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल दोनों स्पेस मेंटेन है। इस तरह का स्पॉट प्रेजेंट रहता है नेमाटोड के बॉडी पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह के पेरिनियल पैटर्न ऑफ मेलिडोगाइन में पंक्चुएशन देखा जा सकता है, किसमें, मेलिडोगाइन हैप्ला में इस तरह के पेरिनियल पैटर्न के रूप में पंक्चुएशन देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स मार्किंग, ट्रांसवर्स मार्किंग में और लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग क्या होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मीन्स क्या होता है कि जब वर्टिकल मार्किंग रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे और जब हॉरिजॉन्टल मार्किंग रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे। आप लोग जब परपेंडिकुलर किसी की चीज़ में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स है, और जब हॉरिजॉन्टल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। दे आर ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ क्यूटिकल्स, ये सब जो है ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्स मार्किंग में क्या होता है कि रिज बन जाता है। ट्रांसवर्स मार्किंग के कारण जैसे हम लोग क्या देखते हैं, पोटैटो का फील्ड अगर देखते हैं तो क्या होता है कि कहीं रिज होता है, मतलब कहीं पे ऊंचा होता है फिर डिप्रेस्ड है, गड्ढा वाला रीजन होता है, फिर ऊंचा होता है फिर गड्ढा होता है, ऐसे अल्टरनेट में होता है। तो वही रिज एंड फरो जो होता है ट्रांसवर्स मार्किंग फॉर्म करता है, कहाँ से, तो हेड से टेल पे, ठीक है। इसके कारण जो होता है नेमाटोड सेगमेंटेड दिखाई देता है, जबकि हमने डिफिनेशन में क्या बोला पढ़ा है कि नेमाटोड इज अनसेगमेंटेड, बट चूंकि ट्रांसवर्स मार्किंग प्रेजेंट उस पर होता है जो रिज एंड फरो फॉर्म करता है हेड टू टेल में, इसके कारण नेमाटोड जो होता है सेगमेंटेड दिखाई देता है, ठीक है। और ये सब एग्जांपल है कि इसे पंक्चुएशन रिज मार्किंग जो होता है, ये मार्किंग जो होता है ट्रांसवर्स मार्किंग, वो कौन कौन से नेमाटोड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है या सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नेमाटोड का ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये ट्रांसवर्स मार्किंग हो गया, ये ट्रांसवर्स मार्किंग हो गया, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, ट्रांसवर्स मार्किंग हो गया, ठीक है। पेरिनियल पैटर्न में आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, ये लग रहा है कि जैसे हमारा फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का पेरिनियल पैटर्न होता है। और लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग क्या होता है कि क्यूटिकल पे लाइन होता है जो रन करता है कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नेमाटोड बॉडी, ठीक है। इसके बाद इसमें दो तरह के लाइन होते हैं, कौन कौन सा, लैटरल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल रिजेज। आप लोग यहाँ पे लास्ट राइट हैंड साइड पे देखिए, ये क्या होता है, लैटरल फील्ड होता है, ठीक है, लैटरल फील्ड और लैटरल लाइन्स है ये। राइट हैंड पे आप लोग इजीली देख सकते हैं कि कैसा होता है, इसको हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में जब काटेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, लैटरल लाइन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होता है। तो लैटरल लाइंस, दीज आर द लाइंस रनिंग लॉन्गिट्यूडनली टू द बॉडी ऑफ एक्सिस नेमाटोड, बट दे आर कन्फाइंड टू लैटरल फील्ड, लैटरल फील्ड में ए लाइन केवल प्रेजेंट होता है, इन एरिया जस्ट ऑन टॉप ऑफ ए लैटरल हाइपोडर्मल कोड ऑन आइदर साइड ऑफ द नेमाटोड बॉडी रनिंग थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रिजेज, लॉन्गिट्यूडनल रिजेज होता है रेज लाइन होता है, रेज लाइन होता है प्रेजेंट ऑन क्यूटिकल रनिंग लॉन्गिट्यूडनल टू द नेमाटोड बॉडी एक्सिस, बट आर कन्फाइंड इन द एरिया अदर देन द लैटरल फील्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए स्मूथ है, मतलब इस पे सिंपल लाइन प्रेजेंट है दो साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ है। स्ट्रेटेड क्या होता है, देखिए आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन अभी देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड। एनुलेटेड मीन्स क्या होता है कि समथिंग लाइक रिज एंड फरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलेटेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल रिजेज एंड लैटरल लाइंस के अलावा इसमें तीन तरह का एले मिलता है। तीन तरह का एले कौन कौन सा होता है, कॉर्डल एले होता है, सर्वाइकल एले होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल एले होता है, ठीक है। कॉर्डल एले क्या होता है, पोस्टेरियर रीजन ऑफ नेमाटोड में मिलता है एंड ओनली मेल में मिलता है, क्यों, क्योंकि ये कोपुलेटरी ऑर्गन में मिलता है और बर्सा के साथ मिलता है, रेस्ट्रिक्टेड टू मेल एज ए कोपुलेटरी बर्सा। अब बर्सा का फंक्शन क्या है, तो एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन ये होल्ड करने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल एले, सर्वाइकल एले क्या होता है, ये एंटेरियर पार्ट को फॉर्म करता है और कॉर्डल एले कौन सा फॉर्म करता है, पोस्टेरियर पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। सर्वाइकल एले आर फाउंड इन सम स्पीसीज ऑफ मैराइन नेमाटोड्स,
लॉन्गिट्यूडनल ले ले का होता है, लॉन्गिट्यूडनल ले ले डेलिमिट द लैटरल फील्ड्स मींस मिक्स करता है, डेलिमिट मींस क्या होता है मिक्स करना, ठीक है। तो लैटरल फील्ड में लॉन्गिट्यूडनल ले ले जो होता है वो मिक्स हो जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटरल एले भी बोलते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप नंबर देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ले का नंबर कितना होता है 1 to 12 है, ठीक है। और ये डायग्राम हो गया लैटरल फील्ड, लैटरल लाइंस पीछे भी दिखा रखे हैं, लैटरल व्यू इसका है, वेंट्रल व्यू इसका है, बस आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कॉर्डल एले वगैरह, ठीक है। इसके बाद क्यूटिकल का किस कौन कौन सा बनता है, तो हाइपोडर्मिस मस्कुलेचर क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस क्यूटिकल के बाद कौन सा लेयर है, तो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस मतलब जब हमने पढ़ाया कि बॉडी वाल जो होता है तीन लेयर से बना होता है, कौन कौन सा, क्यूटिकल हाइपोडर्मिस एंड मसल लेयर, तो मसल लेयर को मस्कुलेचर शॉर्ट में बोलते हैं। अब तो हमने क्यूटिकल पूरा पढ़ लिया, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कैसा होता है सेलर होता है, क्यूटिकल कैसा होता है नॉन सेलर होता है, क्यूटिकल कैसा पढ़ा है नॉन सेलर नॉन लिविंग, ठीक है। हाइपोडर्मिस कैसा होता है सेलर होता है एंड ये सेक्रेट करता है क्यूटिकल को, मींस अभी हमने क्वेश्चन बताया था कि क्यूटिकल इज सेक्रेट बाय हाइपोडर्मिस है, तो यहाँ पे है क्या किसे हाइपोडर्मिस का फंक्शन क्या है, तो इट सेक्रेट्स न्यू क्यूटिकल आफ्टर एवरी मोल्ट से, ठीक है। जब मोल्टिंग होगा नेमेटोड में तब क्यूटिकल का ये फॉर्म कर देगा। उसके बाद हाइपोडर्मिस से क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोडर्मिस से कितने हाइपोडर्मल कोड फॉर्म होते हैं, तो कितना आंसर देना है 4। आप लोग इजीली देख सकते हैं कि हाइपोडर्मल कोड कहाँ पे है, तो ऊपर से चौथा नंबर पे डॉर्सल हाइपोडर्मल कोड, उसके बाद नीचे आएंगे तो वेंट्रल हाइपोडर्मल कोड, वेंट्रल हाइपोडर्मल कोड, उसके बाद देखेंगे कि नर्व कोड, डॉर्सल नर्व कोड और वेंट्रल नर्व कोड, ये चार कोड जो होते हैं वो कौन सा फॉर्म करते हैं हाइपोडर्मिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्कुलेचर मींस सोमेटिक होता है एंड स्पेशलाइज होता है, जैसे हम लोग का अगर लेग का मसल्स को फॉर्म करना है तो लेग का मसल स्पेशल होता है, मींस स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि उसको पूरे बॉडी वेट को वेट संभालना है, मींस पूरा बॉडी वेट हमारे लेग पे डिपेंड है, तो वहाँ पे मसल जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पेशलाइज हो गया, वो अपने काम के प्रति स्पेशलाइज हो गया कि हाँ हमको स्ट्रॉन्ग बनना है। उसी के अकॉर्डिंग नेमेटोड में भी जो मसल लेयर होता है वो स्पेशलाइजेशन के साथ फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें तीन तरह का पाया गया है सोमेटिक मस्कुलेचर में, प्लेटीमेरियन, कोएलोमेरियन एंड सर्कोमेरियन से। प्लेटीमेरियन का होता है फ्लाई टाइप होता है और जनरली ये प्रिमिटिव होता है, ठीक है। कोएलोमेरियन कैसा होता है यू शेप होता है, कोएलोमेरियन कैसा होता है यू शेप्ड होता है सेल, जिसमें मसल फाइबर जो होता है एडजेसेंट होता है एंड परपेंडिकुलर टू द हाइपोडर्मिस होता है, कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है। आप लोग केवल नाम ध्यान रखेंगे, सोमेटिक मस्कुलेचर में कौन कौन सा होता है, प्लेटीमेरियन होता है, कोएलोमेरियन होता है एंड सर्कोमेरियन होता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कोएलोमेरियन का शेप ध्यान रख सकते हैं कि यू शेप्ड सेल होता है, ठीक है। अब अगले दिन हम दोस्तों पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, नेमेटोड का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद। हो गया।